La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. 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 देखो ये बाग अवकात इंसान की जिंदगी में इनकलाब इस तरह आ जाता है कि एक छोटा सा नुक्ता इंसान की पूरी जिंदगी बदल देता है। यह अल्लाह ताला की तरफ से उसका करम होता है। अल्लाह यज्तबी इलैही मन यशा व यहदी इलैही मन युनीब, अल्लाह ताला ने वादा फरमाया। अल्लाह ताला अपनी तरफ खींच लेते हैं जिसको चाहते हैं, और जो अल्लाह ताला की तरफ रुजू करता है उसको अपनी तरफ हिदायत अता फरमाते हैं। तो मेरे शेख हजरत आरिफी कद्दस अल्लाह ताला सिर्रहू, अल्लाह ताला उनके दर्जात बुलंद फरमाए, वो एक बड़ी तसल्ली की बात फरमाया करते थे जिससे बड़ी तसल्ली होती है। उलमा हजरात मौजूद हैं, वो उसका सही लुत्फ महसूस करेंगे। वो फरमाते थे कि अल्लाह यज्तबी इलैही मन यशा, इसमें यशाउ की जमीर जो है तो वो बज़ाहिर अल्लाह ताला की तरफ राजे है कि अल्लाह ताला अपनी तरफ खींच लेता है जिसको चाहता है। हजरत फरमाते हैं कि इसमें एक एहतमाल ये भी है कि यशाउ की जमीर मन की तरफ राजे हो, यानी अल्लाह ताला खींच लेते हैं अपनी तरफ उसको जो खींचना चाहे। अल्लाह यज्तबी इलैही मन यशा, यानी जो चाहे कि मुझे अल्लाह ताला खींच ले, अल्लाह उसको भी खींच लेते हैं अपनी तरफ। हाँ, जो खींचना ही ना चाहे तो फिर उसका तो कोई इलाज नहीं, लेकिन जो खींचना चाहता हो कि अल्लाह ताला मुझे खींच ले, उसको अल्लाह ताला खींच ले। तो इसके माना क्या हुए कि अगर हम चाहेंगे कि अल्लाह ताला हमें अपनी तरफ खींच ले तो अल्लाह ताला खींच लेंगे। और चाहने का मतलब यह है, अल्लाह के खींचने का चाहने का मतलब यह है कि कदम बढ़ाओ, इरादा करो, हिम्मत को ताजा करो, अजम को ताजा करो और एक कदम बढ़ा दोगे। अल्लाह ताला फरमाते हैं जो मेरी तरफ एक कदम बढ़कर आता है मैं उसकी तरफ दो कदम बढ़कर जाता हूं, जो मेरी तरफ एक बालिश आता है मैं एक हाथ उसके आगे जाता हूं, जो एक हाथ मेरे पास आता है तो मैं दो हाथ उसके आगे जाता हूं। अल्लाह ताला के यह हुक्म, अल्लज़ीना जाहदू फीना लनहदियन्नहुम सुबुलना, जो हमारे रास्ते में कोशिश करते हैं हम उनको पकड़कर अपने रास्ते पर ले जाते हैं। ये अल्लाह तबारक व तआला का वादा है, मामूली बात नहीं है। और हकीम उल उम्मत रहमतुल्लाह अलैह हजरत थानवी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि इसकी कुछ थोड़ी सी नजीर यह है कि देखो, एक जब बच्चा होता है वो शुरू में जब चलना सीखता है तो चलना नहीं आता, माँ बाप उसको चलाने की आदत डालना चाहते हैं, तो अभी वो खड़ा होना सीखा है, उसने चलना नहीं सीखा, तो माँ बाप उसको बुलाते हैं आओ, और वो डरता है आते हुए, अगर आएगा आगे बढ़ेगा तो एक आध कदम बढ़ाकर गिरने लगता है, लेकिन बाप गिरने नहीं देता। जब एक कदम बढ़ाता है तो बाप उसको गोद में उठाकर उसको गिरने से रोक लेता है। तो हजरत फरमाते हैं जो शख्स अल्लाह जल्ले जलालुहु की तरफ बढ़ता है तो अल्लाह ताला उसको गिरने नहीं देता, अल्लाह ताला गिरने नहीं देता, उसको उठा लेते। और जब बाप ऐसा करता है तो अल्लाह जल्ले जलालुहु की रहमत और शफकत तो बाप से कहीं ज्यादा, लिहाजा घबराओ नहीं, मायूस ना हो, अपने हालात का जायजा जब लेते हो तो उसमें मायूसी को राह ना दो, अल्लाह ताला ने तौबा का दरवाजा खोल रखा है। जब कभी गिरने लगो अल्लाह तबारक व तआला को पुकारो, या अल्लाह मैं गिरने लगा हूं, मुझे संभाल ली, अल्लाह ताला संभाल ले।
और अगर फिर भी गिर पड़ो तो पुकार लो उनको, अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़म्बिन व अतूबु इलैह, मैं अल्लाह ताला से इस्तग़फार करता हूँ, तौबा करता हूँ, तो अल्लाह ताला फौरन माफ़ फरमा दे। याद रखो ये तौबा और इस्तग़फार ऐसी चीज है कि अल्लाह तबारक व तआला ने सारे गुनाहों का तिरयाक इतना आसान बना दिया। शैतान को अल्लाह ताला ने बेशक पैदा किया और इंसान के दिल में नफ्स भी रख दिया, रफ्तानी ख्वाहिशात भी रख दी जो इंसान को गुनाहों की तरफ ले जाती है, लेकिन अल्लाह जल्ला जलालू की रहमत से ये बात नामुमकिन थी कि वो जहर पैदा करे और तिरयाक पैदा ना करे। तो अल्लाह ताला ने जहां गुनाह का जहर पैदा किया, शैतान और नफ्स पैदा किया, वहां उसका तिरयाक इतना आसान इतना आसान इतना आसान कर दिया कि अगर कभी तुम्हें शैतान डसले, ये नफ्सानी ख्वाहिशात की वजह से गुनाह में मुब्तला हो जाओ, मायूस ना हो, बल्कि मेरी तरफ रुजू करके कह दो अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़म्बिन व अतूबु इलैह, जब कह दोगे तो सब धुल जाएगा, सब धुल जाएगा। और हजरत हकीम उल उम्मत रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि तौबा और इस्तग़फार के जरिए गुनाह के माफ होने का मतलब यह है कि वो गुनाह इंसान के नामे अमाल ही से मिटा दिया जाता है, नामे अमाल ही में नहीं रहता। यानी एक सूरत तो ये थी ना कि लिख दिया जाता कि भाई ये गुनाह किया था मगर चलो हमने माफ कर दिया, वो फरमाते लिखा भी नहीं जाएगा, कयामत में भी जब नामे अमाल सामने आएगा उसमें अल्लाह ताला नहीं उसको जाहिर नहीं फरमाएगा। एक तो हिसाब किताब के तरीके होते हैं ना, अकाउंट्स में एक डेबिट होता है क्रेडिट होता है, तो वो दोनों साथ साथ चलते रहते हैं, डेबिट भी आ रहा है क्रेडिट भी आ रहा है और आखिर में जाके टोटल हो जाता है। तो अल्लाह ताला के यहां ये डेबिट क्रेडिट नहीं है, अल्लाह ताला के यहां जब कभी गुनाह माफ हुआ तो बस वो बैलेंस शीट से गायब हो गया, उसके अंदर बाकी नहीं रहा, ताकि कयामत में देखकर इंसान को शर्मिंदगी भी ना हो, कयामत में शर्मिंदगी भी ना हो। अल्लाह ताला ऐसे तवाबुर रहीम, लिहाजा घबराओ नहीं। कुल या इबादी लजीन असरफू अला अनफुसिहिम ला तक़नतू मिन रहमतिल्लाह इन्नल्लाह यग़फिरु ज़ुनूबा जमीअ, कितने खुले खुले लफ्ज में अल्लाह ताला ने फरमाया, ऐ वो लोगो मेरे वो बंदो जिन्होंने अपनी जानों पर जुल्म किया है, अल्लाह की रहमत से मायूस ना हो, यकीन रखो कि अल्लाह ताला सारे गुनाहों को माफ कर देगा। ये अल्फाज हैं जो कुरान ने कहे, वल्लज़ीन इज़ा फ़अलू फ़ाहिशतन औ ज़लमू अन्फुसहुम ज़करुल्लाह फ़स्तग़फ़रू लिज़ुनूबिहिम वमन यग़फ़िरु ज़ुनूबा इल्ला अल्लाह वलम युसिर्रू अला मा फ़अलू वहुम यअलमून। क्या अल्फाज इस्तेमाल फरमाए हैं कि वो लोग हैं कि जिनसे कभी कोई बेहयाई का काम हो गया, फालू फाहजतन औ ज़लमू अन्फुसहुम, अपनी जानों पर जुल्म कर बैठे, ज़करुल्लाह तो उस वक्त उनको अल्लाह याद आ गया कि अल्लाह मुझसे गलती हो गई, फ़स्तग़फ़रू लिज़ुनूबिहिम तो अपने गुनाहों की उन्होंने मग़फ़िरत मांग ली। और बीच में अल्लाह फरमाया मन यग़फ़िरु ज़ुनूबा इल्लल्लाह, अल्लाह के सिवा कौन है जो गुनाहों को माफ करे, वलम युसिर्रू अला मा फ़अलू, इसरार नहीं करते उस पर जो जो कर गुजरे हैं उस पर इसरार नहीं करते, सीना जोरी नहीं करते, जैसे अल्लाह बचाए बाद औकात आदमी कहना चाहिए ये क्या है ये हमसे हो गया लेकिन ये तो कोई बुरी बात नहीं है, उसको बुरा ही ना माने आदमी, लम युसिर्रू अला मा फ़अलू हम यालम, तो फिर अल्लाह ताला के यहां माफी का दरवाजा चौपट खुला हुआ है, चौपट खुला है। इस वास्ते मायूसी की बात नहीं, अल्लाह तबारक व ताला की तरफ रुजू करने की बात है। जब आदमी कदम बढ़ाएगा, तौबा करेगा, इस्तग़फार करेगा, कदम बढ़ाएगा, तीन काम, नादिम हो अपने गुनाहों पर, अल्लाह से मग़फ़िरत मांगे, आइंदा न करने का अपनी तरफ से अज़्म करे, और फिर कदम बढ़ा दे अल्लाह ताला की तरफ, तो फिर फरमाया कि यजतबी इलैहि मन यशा, जो चाहता है कि मुझे खींच लिया जाए अल्लाह ताला उसको खींच ले। तो
तो भाई ये सारी खुशखबरियां हमारे लिए मौजूद है और इन खुशखबरियों को अमल में लाने का बेहतरीन वक्त आने वाला है रमजान का महीना। अल्लाह तबारक व तआला अपने फजल व करम से, अपने रहमत से हमें उससे सही फायदा उठाने की तौफीक अता फरमाए। एक गुजारिश आखिर में ये करूंगा कि इसी रमजान के महीने में जो हमारे आम मुसलमान भाई हैं वो कुछ दीनी किताबों के मुताले का भी अहतमाम है, जैसे वो किताबें जिनमें फजाइल फजाइल मजकूर हैं रमजान मुबारक के, हजरत शेखुद्दीन साहब की किताबें फजाइल के ऊपर वो हैं, या ऐसी किताबें जिसमें नबी करीम सरवरे आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस की तशरीह है, कुरान करीम की तफसीरें छपी हुई हैं, उनके मुताले का एहतमाम करें। अपने घर वालों को भी जमा करके कुरान करीम की तफसीर और उसका मतलब समझाने की कोशिश करें। और सहाबे किराम के हालात, हयातुस सहाबा, हजरत हकीम शेखुद्दीन साहब, हजरत पाना मोहम्मद यूसुफ कानलवी रहमतुल्लाह अलैह की हयातुस सहाबा, तो सहाबे किराम के हालात जो हैं वो ऐसी चीज है कि जो इंसान की जिंदगी में इनकलाब लाने वाले, उनके बातों में नूर है, उनके वाकयात में नूर है, उनके नामों में नूर है, उसको पढ़ें और अपने घर वालों को सुनाएं। तो मुझे अल्लाह ताला की रहमत से उम्मीद है, कुछ बईद नहीं है कि ये आने वाला रमजान हम सब के लिए अपनी जिंदगियों में एक खुशगवार इनकलाब लाने का जरिया बन जाए। एक बात आखिरी शब बरात से मुताल्लिक ये है कि 15 शाबान कब्रिस्तान जाने का मामला, के लोग शब बरात में कब्रिस्तान के अंदर जाने का भी बड़ा एहतमाम करते हैं बाज़ औक़ात। सूरत हाल यह है कि एक रिवायत में है कि रसूल करीम सरवरे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस रात में बकी तशरीफ ले गए, वो रिवायत भी अगर से सनदन कमजोर है लेकिन बहरहाल एक रिवायत में है, अगर उसको मान ले तो भी मेरे वालिद माजिद सल्लल्लाहु तआला सरहु फरमाते हैं कि नबी करीम सरवरे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जो बात जिस दर्जे में साबित है उस दर्जे ही पे उसको रखना जरूरी है। सारी जिंदगी में एक वाकया कि शबे बरात में आप कब्रिस्तान तशरीफ ले, सारी जिंदगी में एक मरतबा ये वाकया बयान हुआ, तो मेरे वालिद माजिद रहमतुल्लाह फरमाया करते थे लिहाजा इसको कुछ सुन्नत मुस्तमिर्रा नहीं करार देना चाहिए, बल्कि कभी चले गए कभी नहीं भी गए, कभी अगर इस ख्याल से चले गए कि चूंकि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिंदगी में एक मरतबा तशरीफ ले गए थे तो लाओ भाई हम भी चले जाएं, तो इसमें भी कोई हर्ज नहीं, लेकिन उसको ऐसा आज लाजमी बना लेना कि शब बरात जब आएगी तो जरूर कब्रिस्तान जाएंगे, ये बात जो है वो दुरुस्त नहीं, ये दुरुस्त नहीं। तो इसलिए अगर कोई चला जाए तो उसके ऊपर नकीर भी नहीं करनी चाहिए बहुत ज्यादा, लेकिन अगर न जाए तो भी कोई नकीर नहीं, एहतमाम करके जो काफिले बनाकर और उसके अंदर चरागा करके जाना जो है ये मुनासिब नहीं है, ये मुनासिब तरीका नहीं। वाकिफ दावाना अल्हम्दुलिल्लाह। ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر